हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम इसको शेड करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने जवान मूवी से एसआरके सर की आउटलाइन ड्राइंग कंप्लीट कर ली थी। पिछली वीडियो में मैंने इसका ट्यूटोरियल भी शेयर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। शेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वाशी टेप का, एंड इसके हेल्प से मैं चारों तरफ से बॉर्डर क्रिएट कर लूँगी। सो यहाँ पे काफ़ी थिन बॉर्डर के लिए मैंने थिन वाशी टेप लिया है। आप इसकी जगह मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाशी टेप है ये ज़्यादा अच्छा होता है एंड काफ़ी इजीली ये रिमूव भी हो जाता है बिना किसी डैमेज के पेपर के, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। एंड इससे जो है काफ़ी अच्छा सा लुक आएगा ड्राॅइंग में, जो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी सही दिखेगा क्योंकि हम इसमें बैकग्राउंड को भी शेड करने वाले हैं। सो मैंने ये वाला रेफरेंस इमेज लिया है, एंड ये वाला जो आप रेफरेंस इमेज देख रहे हैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप इजीली डाउनलोड करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं इसको शेड करना। एंड इसको शेड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, एंड इसकी हेल्प से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेयर को शेड करना। यहाँ पर मैंने ब्लैंक पेन की हेल्प से थोड़ी सी इंडेंटिंग की है। यहाँ पर गाइज मैं बहुत ज़्यादा इजी मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो काफ़ी इजीली आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो भी इसको काफ़ी इजीली देख करके ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप भी ड्रॉ करते हैं ये सेम रेफरेंस इमेज इस वीडियो से देख करके, तो मुझे इंस्टाग्राम में टैग ज़रूर कर लेना, जहाँ पर मैं आपका पोस्ट ज़रूर देखूँगी एंड आपके आर्टवर्क को ज़रूर स्टोरी में मेंशन भी करूँगी। सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल गया होगा, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। सो गाइज, इसी तरीके से हम हेयर को पहले शेड करेंगे। सो कीप वॉचिंग। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए मैं यूज कर रही हूँ बुस्ट्रो का ग्रेफाइट पेंसिल, एंड यहाँ पे मैंने लिया है 3B पेंसिल। एंड अब मैंने लिया है 7B पेंसिल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, बैकग्राउंड का जो लुक है वो कितना अच्छा आया है। एंड इसके बाद इसमें हम हाइलाइट्स को ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर, एंड इसकी हेल्प से मैं हेयर के साथ साथ बैकग्राउंड में भी कुछ हाइलाइट्स एंड डिटेल्स को ऐड कर रही हूँ। एंड अब ये मास्क की ड्राइंग करने के लिए मैंने वापस चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने उसी सेम पेंसिल का यूज़ किया है, कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, क्योंकि ये वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा डार्क है, तो डार्कनेस के लिए एंड काफ़ी इजीली भी हो जाता है चारकोल से, तो इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल्स का, यहाँ पे जो क्रैक्स हैं उन क्रैक्स को ड्रॉ करने के लिए। एंड इसके बाद आप देखना कि ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा जब हम इसमें शेड करेंगे।
एंड अब हम यहाँ पे डिटेल्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इरेजर पेंसिल का, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स और ऐड करूँगी पेंसिल के हेल्प से, ग्रेफाइट पेंसिल के हेल्प से। तो गाइज़ आप देख सकते हैं बहुत इजी है एंड यहाँ पे काफ़ी इजीली हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल गया है। तो पहले हमने यहाँ पे शेडिंग की है एंड उसके बाद कुछ डिटेल्स को ऐड कर दिया एंड यहाँ पे ये जो मास्क है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो इसी तरीके से हम इस मास्क को ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने यहाँ तक की ड्राइंग का ट्यूटोरियल देखा एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी ट्यूटोरियल था। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में जहाँ पर हम इसको पूरा ऑल ओवर कंप्लीट करने वाले हैं। सो कीप डूइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।